हेलो। सर नमस्कार। हाँ जावेद जी, कैसे हैं बताइए। सर ठीक सर। सर मुझे एक ये जानकारी देनी थी सर। मेरे ना 2 तारीख को मेरे क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हो गया था, इंडियन बैंक का। किस तरह का फ्रॉड हुआ था सर? उसमें ना एक naukri.com से एक लिंक आया था, उसमें 10 रुपए का पेमेंट करने के लिए कह रहा था, फिर मैंने किया तो वो 40,000 रुपए का कट गया सर। तो आपने क्यों किया पेमेंट उसका? अब सर यही मेरे से मिस्टेक हो गया जो मैंने किया है सर। तो वही बात है ना कि फिर इसका तो आप दूसरे के नाम पर तो बिल ही नहीं फाड़ सकते ना सर। आप खुद गड्ढे में गिर गए हैं और आप कह रहे हैं कि जी मुझे निकालो, मुझे नहीं पता था गड्ढा इतना गहरा है, तो इसमें आप किसी और को क्यों क्लेम कर सकते हैं? नहीं नहीं सर, उसमें तो और जो 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 लिंक आपके पास आया था वो किस चीज का लिंक था? naukri.com पर के था सर। नहीं तो उसमें वो 10 रुपए किस बात के आपसे मांगे जा रहे थे सर? उसमें ना सारे इंफॉर्मेशन डालने के बाद उसके बाद 10 रुपए का पेमेंट करने को लिए कह रहा था कि 10 रुपए का आपका पेमेंट फाइल चार्ज है। किस चीज का फाइल चार्ज मांगा जा रहा था? कि ये 10 रुपए का वर्ष में लिखा हुआ था सर, फाइल चार्ज है 10 रुपए। आप naukri.com की ओरिजिनल साइट पे गए थे किसी फर्जी साइट पे चले गए थे? लिंक आया था सर, उसी पे मैंने खोला। वो लिंक किसने दिया था आपको? लिंक एक नंबर से कॉल आया था, उन्होंने सारा मेरा डिटेल पता, उनको सारा डिटेल मेरा मतलब पता था सर, सारा डिटेल उन्होंने बताया मुझे। ठीक है, मैंने सोचा naukri.com से हो सकता है सर, क्योंकि सारे डिटेल जो जो मैंने था वो एक्चुअल उन्होंने बताया था। तो इसका मतलब ये है कि naukri.com से किसी बंदे ने आपकी सारी डिटेल पहले तो उठा ली, उसके बाद आपको naukri.com का बन के आपको लिंक भेजा, इस पे 10 रुपए आपसे मांगे गए फाइल। तो आपने किसी से पूछा नहीं एक बार ये करते हुए, या फिर आपने पेमेंट किया तो उसमें नजर तो आ रहा होगा ना कितनी पेमेंट आप कर रहे हैं? सर मेरा क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। उस समय में सर क्या हुआ ना कि इतने मैंने उस अकाउंट से पेमेंट कर रहा था जिसमें मेरा 100 रुपए था, ठीक है, पेमेंट नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा लिंक वगैरह होता कभी बैंक नहीं हो सकता, तो मैंने क्रेडिट कार्ड से कर देता हूँ। तो ओटीपी आता था सर उसमें, बैंक में 10 रुपए का ही आता था, मैं ओटीपी देखता था उसमें आ रहा, तो 10 रुपए का ही आता था ओटीपी, लेकिन पेमेंट नहीं होता था। तो मैं सोचा कि हो सकता है बैंक में कोई दिक्कत हो, तो इसलिए नहीं हो रहा उससे, क्रेडिट कार्ड से करने लगा। क्रेडिट कार्ड का जो ओटीपी आया ना सर, वो मैं ध्यान नहीं दिया, मैं सोचा 10 रुपए का तो बार बार आ ही रहा। तो ओटीपी आए सर जल्दी जल्दी में, कई बार 3-4 ओटीपी आ गए। तो मैंने डाला, जैसे जब मेरा पैसे कटा फिर मैंने फौरन देखा तो मैसेज आके बैंक का पैसे कट, तो मैंने फौरन सर दो उसी वक्त बैंक में कंप्लेन किया, क्योंकि housing.com से मेरा पैसे कटा था सर। तो मैंने housing.com पे तो फोन लगाया कि पैसे होल्ड करने के लिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से जो पैसे कटता सर वो तो पैसे अकाउंट में जाने के लिए कुछ टाइम लगता है ना सर जाने। तो मैंने housing.com पे तो फोन लगाया, उस दिन लगता नहीं, तो 2 अप्रैल था उस दिन। तो मैंने कस्टमर को फोन किया और मैंने बोला सर ऐसा ऐसा है, मेरे साथ ऐसा हुआ, आप ये करो। तो उन्होंने कंप्लेन वगैरह लिखा, फिर मैंने थाने पे जाकर कंप्लेन किया वहीं पे। उसके बाद फिर नहीं हुआ, फिर मैंने 6 तारीख को दोबारा फिर कंप्लेन किया थाने में। उसके बाद 9 तारीख को फिर मैंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है दिल्ली में सीलमपुर, वहां पे भी कंप्लेन किया, लेकिन कोई एक्शन तो नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि मेरे पास में तो पुलिस का कोई फोन आया अभी तक ना, तो बैंक का कोई है, मैंने पूछता हूँ तो कह रहा अंडर प्रोसेस में, और बैंक का देखता हूँ सर तो वो ये लगा रहे हैं चार्ज। साइबर कंप्लेन किया था आपने? साइबर कंप्लेन कहाँ की थी आपने? साइबर कंप्लेन सर साइबर ब्रांच सीलमपुर दिल्ली में है। तो कोई रिटर्न में आपको उन्होंने लिख के दिया हुआ किस तरह की आपने ऐसी कोई कंप्लेन की हुई है? जी जी जी, उनको जो मैंने दिया था दो फोटो को भी दिए थे, एक ओरिजिनल एक फोटो को भी, तो फोटो को भी उन्होंने मोड़ लगा के मुझे दिया था। ओके, आप एक काम कीजिए, आपके पास दोनों चीजों का प्रूफ है ना, तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, रुकिए जरा कर सकता हूँ। जो housing.com से जब मैंने सर डिटेल निकलवाया था, तो ये रोहिणी का एक फोन नंबर था बैंक ऑफ बड़ौदा का, जिसमें पैसे ट्रांसफर हुए थे। हाँ, ये सब मैंने मेंशन करके 9 तारीख को फिर दोबारा मैंने डाला था, लेकिन सर कोई एक्शन ही नहीं हुआ। तो आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, देखिए पुलिस कुछ नहीं करेगी, पुलिस के पास इतनी फुर्सत नहीं है, समझिए मेरी बात को। आप ये काम कर सकते हैं, आपके पास अगर उस अकाउंट की डिटेल आ चुकी है कि किस बंदे का अकाउंट है, अकाउंट नंबर आ चुका है, तो आप उस ब्रांच में ही चले जाइए, डायरेक्ट रोहिणी की उस ब्रांच में चले जाइए, और आपके पास जो आपने पुलिस में कंप्लेन करके वो तो है ही आपके पास। जी जी, तो वो दोनों कॉपी भी उस ब्रांच में जाके दिखाइए कि भैया मेरे साथ इस तरीके से फ्रॉड हुआ है, ये देखो उसके सबूत है, और मुझे इस बंदे का एड्रेस और नाम नंबर डिटेल वगैरह चाहिए ताकि मैं इसकी कंप्लेन पुलिस में और कर सकूं। तो बैंक जब देखेगा ना कि ऑलरेडी आपने पुलिस को केस एस्केलेट कर रखा है जी, तो बैंक शायद कुछ आपको उसकी डिटेल दे दे, तो फिर आपके पास उसका फोन नंबर वगैरह आ जाएगा, तो फिर आप उसका एड्रेस वगैरह आपको मिल जाएगा, तो आप उस एड्रेस पे जाके एक बार विजिट कीजिए, उस बंदे को आपको पकड़ना पड़ेगा खुद जाके।
तो मैंने सर एक बार देखता हूँ सर आप बता रहे हैं, लेकिन मैंने सर यार बैंक के में मैंने बैंक के रोहन जी में फोन भी किया था एक बार, बैंक बैंक के मुझे ये जवाब दिए कि मैं पर्सनल डिटेल मैं वही तो बोल रहा हूँ, फोन पे ऐसे आपको कोई डिटेल नहीं बता सकते हैं। जब क्या ना बैंक में जाएंगे ना, बैंक मैनेजर से मिलिए, उसको दिखाइए पहले कि मेरे साथ ऐसे फ्रॉड हुआ है, ये साइबर कंप्लेन की कॉपी है, पुलिस की कंप्लेन की कॉपी है। जी जी तो मुझे इसके बिहाफ से मुझे हाउसिंग फाइनेंस वालों ने बताया है कि ये नंबर है, इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो, तो अब मुझे इस अकाउंट की डिटेल चाहिए। या तो आप ये कीजिए, अगर वो देने से मना करे तो उसको रिटर्न में लिख के लीजिए क्यों मना कर रहे हो भैया, मुझे मुझे चाहिए क्योंकि मैं आपको सारे प्रूफ दे रहा हूँ। और अगर वो तब भी मना करे ना, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, आपने जिस पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करी है ना, जी जी उस पुलिस स्टेशन से एक लेटर लिखवा के लेके आइए, जिसमें कि पुलिस से लिख के दे कि हाँ इस बंदे की डिटेल बैंक को देनी पड़ेगी आपको, तब बैंक देगा शायद आपको। तो मैं करता हूँ सर, यही जाता हूँ एक बार, यही ऑप्शन है, यही ऑप्शन है। अगर इसमें कुछ आपको फायदा मिले तो मिले, वरना कुछ नहीं होगा, मैं आपको खुद बता देता हूँ। ये बस ये होप है कि आप कोशिश कर सकते हैं। बाय द वे सर ना आए तो सर मैं मान लिया कि नहीं, अगर बाय द वे ना आए पैसे तो सर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट तो बिल्कुल करना पड़ेगा सर, क्योंकि कटा तो आपके क्रेडिट कार्ड से है ना, किसी और क्रेडिट कार्ड से थोड़ा ना कटा है। नहीं नहीं सर देखिए, मैं आपको मैं एक चीज आपको एक बात बताता हूँ। आपने पी रखी है, ठीक है, आपने पी रखी है, आपके यहाँ पे पिस्तल आ गए, कहीं से आपने किसी को गोली मार दी और सामने वाला बंदा मर गया, तो आप ये थोड़ा ना कोर्ट में प्रूफ कर, आप कोर्ट में ये थोड़ा ना कहने जाएंगे जी मैं नशे में था इसलिए मैंने गोली चला दी। गोली तो आपके हाथ से चली है ना सर, और सामने वाला बंदा मर गया है, तो क्राइम आपका माना जाएगा। आपने पी रखी है, किस हालत में थे, इससे कोई वास्ता नहीं है। कानून क्या देखेगा कि सबूत क्या है, और सबूत ये है कि ओटीपी आपने डाला है अपने अकाउंट में। जी जी। तो आप कुछ भी देखिए, ये तो कॉमन सेंस है, मैं भी खुद बोलूंगा और आप भी को भी पता होना चाहिए। आप जिसको भी कंप्लेन बताएंगे वो यही बोलेगा कि जब आपको केवल 10 रुपए की पेमेंट करनी थी, राइट जी जी। आप ये बोल रहे कि आपको 10 रुपए की पेमेंट करनी थी और आपके अकाउंट में पड़े थे कितने, 100 रुपए, करेक्ट। हाँ हाँ। और जब 100 रुपए आपके अकाउंट में पड़े थे और जब आपके अकाउंट से 10 रुपए ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, तो ये तो सर कॉमन क्या हुआ था ना जाते वो टीपी आ गए बैंक सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ सर। आप कुछ भी बोलते रहिए, कानून बैंक ये सारी चीजें सबूत मांगती है, सबूत देखती है और चीजें देखी जाती है। वही तो मैंने आपको बोला कि जब आपका एक ही बार में ट्रांजेक्शन फेल हो गया 10 रुपए का, आपने दूसरी बार किया सेविंग अकाउंट से तब फेल हो गया, तो आपको खुद समझ जाना चाहिए कुछ तो गड़बड़ है कि मेरे अकाउंट में 100 रुपए पड़े और मैं 10 रुपए भेज रहा हूँ, 10 रुपए नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब झोल है कुछ। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सारे काम बहुत ठंडे दिमाग से करने होते हैं, आपने किया। एंड ऑफ द डे देखिए क्या होगा, हर कोई आपके नाम पे बिल फाड़ देगा, भैया तुम क्या बेवकूफ थे, तुम्हारे अकाउंट 100 रुपए पड़े, 10 रुपए नहीं कटे तुमने, फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दे, क्यों कर दिया, 10 रुपए थे डेबिट कार्ड से करते, किसी ऐसे अकाउंट से करते जिसमें कम पैसे थे। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये बात पता होनी चाहिए कि naukri.com कभी भी किसी से कोई चार्ज नहीं लेता है। आपने सर से नहीं मारा, इंक्वायरी नहीं करी, 10 रुपए का जब पेमेंट है उसमें ये था, तो मैं सर 10 रुपए तो फाइनल हो सकता है कोई फाइल वगैरह चार्ज हो जो भी, सर वही बात है ना, आपने सोचा, आपने अजूम किया। अब ये वही वाली बात है कि आपने पी रखी थी, आपके हाथ पिस्टल आ गई, आपने सोचा बंदूक खाली पड़ी है, आपने गोली चला दी, तो सोचने में तो आपको पता है ना, आप सोचोगे सनी डोली आपके पास है, सनी डोली थोड़ी ना आ जाए आपके पास, सोचने में बहुत अलग चीज होती है। इसमें पैसा दे क्या होगा ना, लास्ट में बिल आपके नाम पे फटेगा सर। आप बस ये प्रोसेस कर सकते हैं कि आप ये कोशिश कर लीजिए, मैंने आपको बताया है कि या तो बैंक में जाके मिलिए, या तो वो आपको डिटेल दे दे, अगर वो नहीं देते हैं तो फिर आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, उनसे रिटर्न में परमिशन लेनी पड़ेगी कि पुलिस स्टेशन वाले आपकी परमिशन दे, और तब बैंक देना पड़ेगा बैंक को, क्योंकि पुलिस ने लिख के दिया हुआ है, और तब शायद आपको उस बंदे को पकड़ना पड़ेगा, तब शायद कुछ हो सके, वरना कुछ नहीं हो सकता, ये मैं आपको बताऊं। और एंड ऑफ द डे बैंक आपसे ही पैसा मांगे, क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड का पैसा था। ठीक है सर, मैं देखता हूं एक बार। हां, कोशिश करके देखिए आप। ओके सर। ओके सर, थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग।